अरे इसकी कौन सी प्यारी चीजें हैं, दो चीजें ऐसी बहुत प्यारी हैं। प्यारी चीज वो सोचा अरे यार कुछ गंदा पूछती मैं, अरे प्यारी हाँ ऐसा क्यों कि मेरी खराब चीज आपने पूछी। प्यारी चीज नहीं मिल रही तो मेरी दो, नहीं नहीं प्यारी मिल जाएगी, ढूंढ लूंगा बना लूंगा। लेकिन प्यारी चीज इसकी ये है कि ये बड़ी ऑनेस्ट लड़की है, तो आपके अगर आपके बारे में जो सोचती है शी विल मेक श्योर कि आपको वो बता देगी। ऐसा नहीं है कि आपके सामने अच्छी रहेगी और पीछे कुछ और रहेगी। तो ये जो ये तो करोड़ रुपए का गुण है यार। बहुत इस चक्कर में मैं बहुत बार फंस जाती हूँ, मैं कुछ ऐसा और फिर भी नहीं समझती और वो वैसी रहती है। अच्छा एक ये है और दूसरा ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, जो एक अगेन एक क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों के पास होती है लेकिन वो छुपा के रखते हैं। तो तुम क्या सोचती है एग्जैक्ट, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा है, इसके बारे में क्या सोचती हो? मेरा दोस्त है, बचपन का ध्यान रखना। आइए मतलब ऐसे क्या घेर के पीट डालोगे जैसे ऑनर बजाना है, प्रोमो बनाना है भाई, मेरे दोस्त की तारीफ करवानी है। आई थिंक ये इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत चुप इंसान है और ये ज्यादा नहीं बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो ये मुझसे भी ज्यादा बोलो। चलो मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, ये बहुत हॉट है, ये खुद की बहुत, ये बहुत सेक्सी है, बोलना वो ऑप्शन दे रहा है, इसकी बहुत तारीफ करता है, मतलब ये मौका नहीं देता है दूसरे इंसान को। अच्छा तुम बोलो। अच्छा इनरेजिस्टेबल, मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ, हो गया हाँ। मैं बोलो बट ही इज अ रियली स्वीट गाय एंड ही इज समवन हु इज मतलब आई थिंक हमारे इतने एक्शन सीन्स हुए हैं और इतनी बार मैं जितनी क्लमजी हूँ मैं बहुत गिरती हूँ, चलते फिरते भी गिर जाती हूँ, तो ये उस टाइम पर बहुत ख्याल रखता था और ये देखता था मैं हार्डनेस ढंग से पहन रही हूँ या नहीं। सो आई थिंक दैट वाज रियली स्वीट अबाउट हिम। तो जब मैं ऐसा ख्याल रख रहा था मैंने तो तभी बोला मैं बहुत अच्छा दिख भी रहा था। अच्छा। ये वो मिस कर गई, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके फाइन, यू रियली हॉट, ऑफ कोर्स तुमने बोला था, डन, तुमने बोला था, तुम्हें याद है, लेट्स गेट ओवर विद इट, यू आर रियली हॉट, डन, कूल। आप दोनों दिल्ली के हैं हाँ, तो क्या चीज है कॉमन दिल्ली की आप दोनों में? हम दोनों बहुत खाते हैं, ऐसा मैं दिख जाता हूँ, जैसे मैं थोड़ा ज्यादा खाने लगूंगा और अपनी जो मेरी नेचुरल प्रवृत्ति है वो मैं खाने लगता हूँ, तो मैं टेंडेंसी तो यार इसको हिंदी सिखाओ, चलो हाँ इसको हिंदी से, मेरी हिंदी अच्छी है, ये बहुत कुछ एक वर्ड बोल, क्या एक वर्ड बोल, कोई शब्द बोल, आओ दोनों लोग आज राब्ता है, राब्ता मालूम है हमको, समझा भी, और तकबीर, ये हिंदी भी है कि उर्दू में घुस गया तो। अच्छा पुराने जन, अरे दो बहुत सारे कॉल आ रहे हैं यार, कॉल उठाएंगे? हाँ उठा लेते हैं फ्री में है ना? हाँ फ्री में ही यार, आई नो यार, एक बीच में हो गया था ना, बीच में हो गया था, पैसे लेते थे और बड़ी अच्छी सी लड़की बाकी, हेलो आप कौन बोल रहे हैं? हेलो कौन बोल रहे हैं? हेलो हाँ जी कौन बोल रहे हैं? सुशीला, मेरा नाम अनुराग पांडे, इस समय पिक्चर पांडे चल रहा है और इसमें हमारे साथ में हिंदुस्तान के दो मशहूर एक्टर, बड़े टैलेंटेड एक्टर मौजूद हैं और इसमें तो एक हैंडसम हंक और मतलब क्या बोलूं मैं, ऐसा टाइप का लड़का है। जानती हो, क्या नाम है उनका? सुशांत। ओह क्या बात, थैंक यू जी। सुशांत से क्या पूछना चाहते हैं? आप बोल रहे हो सुशांत से, मुझे 2 मिनट बात करनी है। अरे कर लो, आवाज है जी, मैं सुन रहा हूँ। हाय सुशांत। हाय सुशीला एंड सुशांत। हाँ मैं भी बहुत सुशील हूँ। ये कोइंसिडेंस नहीं है या हो भी सकता है? आप तो राब्ता की बात कर रही है। आप बोलिए मैडम, क्या पूछना चाहती हैं? मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या उन्होंने मेरी आवाज पहचानी? ओह माय गॉड, तूने आवाज पहचानी उसकी? आप पहचानी ना, अब नाम तो पता है आपको मेरा, आवाज से नहीं पहचानते? पहचानी ना आप, सुशीला बोल रही। मुझे क्या देख रहे हैं, मेरे को नहीं पता। झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारी आदत पता है, बहुत पुरानी आदत है ये। अरे बाप रे, कोई गर्लफ्रेंड नहीं दे रही है ये भाई, ये सुशांत। फिर तो आपके पास मेरा नंबर भी होगा, हम आराम से बात करते हैं। अच्छा एक मिनट, अच्छा लास्ट का 2 नंबर बता दोगे सुशांत का तो मैं मान जाऊंगा, वाकई तुम इनके बहुत क्लोज और दोस्त हो। चलो, मैं नंबर में बिलीव नहीं करती, मेरा उसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। जब से आप मुझसे बात कर रही हैं मेरी भी जो हार्ट रेट है थोड़ी बढ़ गई है। बढ़नी भी चाहिए, हाँ बढ़नी भी चाहिए, ले बोल रही है। okay. क्योंकि हमारा कनेक्शन अब से नहीं है, पिछले जन्म से है। ओ लेवल ये है, 300 साल पहले, 400 साल पहले जी। अच्छा कितने आप, मैं पिछले जन्म में भी इतना ही हॉट था, मैं बस ऐसे ज्यादा मैं डिटोरिएट हो रहा हूँ। मैंने आपको करीब से देखा था तभी, करीब से देखा, बहुत करीब। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं आपको कॉल कर लूंगा, कोई बात नहीं। जी बताइए क्या पूछना चाहती हैं, प्लीज थोड़ा जल्दी करते हैं। पूछना तो कुछ नहीं है, सिर्फ उनसे बात करनी थी मुझे। मुझे भी आपसे बात करनी थी। सुशांत, आपको कुछ पूछना? मुझे एक सवाल पूछना है उनसे कि क्या वो मुझे कई बार मिलेंगे? कई बार मिलेंगे या बार नहीं मिलेंगे? आपको हैंगिंग गार्डन सही। हैंगिंग गार्डन, हाँ जी। ये बहुत, मैं लाल गुलाब लेके खड़ी रहूंगी बहुत, ताकि आप मुझे पहचान पाओ। पसीने क्यों आ रहे? एग्जैक्टली, बहुत सही रहेगा। हैंगिंग गार्डन में हम हैंग आउट करेंगे। अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं उधर ही हैंग करके मर जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं जरूर मिलूंगा और मैं भी गुलाब लेके आऊंगा जी। थैंक यू सुशीला जी, बहुत। आओगे ना? पक्का पक्का आओगे ना? पक्का। पिछले जन्म के जैसे धोखा मत देना प्लीज मुझे। धरती माँ की कसम मैं आऊंगा। मेरी कसम खाओ तुम, धरती माँ को छोड़ो। सुशीला तुम्हारी कसम, सुशीला तुम्हारी कसम है, तुमसे मिलने हैंगिंग गार्डन जरूर आऊंगा। बस बस, ओके, यही सुनना था। अपना ख्याल रखना, तुम भी। बाय बाय। यार ये ये कौन था? जानता है? नहीं, तो जानता, कौन था ये? नंबर तो दिखा, नंबर से शायद जाने। नहीं, इसको तो अपना नंबर याद नहीं रहता। छोड़ो, यही किसी ने फोन किया। नहीं नहीं, कंटिन्यू। ये देखिए कंटिन्यू आ रहा है यार। क्या मैं क्या कर रहा हूँ? कोई फोन उठा के बात कर सकता है? जी सीरियसली, ऑफ कोर्स, ऑन एयर मेरा लाइव शो चल रहा है। क्या बात कर रहा है तू? मैं थोड़ा, तू रो रहा है क्या? कॉन्डेसेंडिंग तो नहीं था ना? तू रो रहा है? पता चले नहीं, पर तू सही बता, कोई सुशीला है तेरे दोस्त? नहीं, मैं क्यों जानूंगा सुशीला को? नहीं, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग? क्वेश्चन पर निगाहों से। अच्छा, पुनर्जन्म में विश्वास करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हो। नहीं, पर वो कह रही है सुशीला तुमको जानती है, तुम्हारा मोबाइल नंबर जानती हो। वो करती हो, नहीं जानती मोबाइल। नहीं, बोले कोई नखा नहीं नंबर, मेरे पास नंबर भी उनका, लेकिन इन नंबरों में क्या रखा हुआ है? हाँ, वो तो है, लेकिन अब वो कह रही है कि मैं पिछले जन्म में भी हॉट था, तो मैं सोच रहा हूँ कंसिडर कर लूँ कि पिछला जन्म भी हो सकता है। भगवान। हाँ, मतलब दिन में कितनी बार बोलता होगा अपने आप को हॉट है? बहुत बार। खुद को देख के खुद ही से बात करता है शीशे में। तो अच्छी बात है ना, किसी और से बात को देख के खुद ही से बात करो ना। खुद को देख के तुमसे बात करूंगा कैसा लगूंगा? नहीं, खुद को देख के तुमसे बात करूंगा तो कैसा बेंगा लगूंगा? अच्छा, लगता है कि अधूरा प्यार होता है, लौट के आता है। सुशांत, ए भाई, इससे तो नहीं पूछूंगा, बड़ा सेंसिटिव मामला है, तू बता भाई। हाँ भाई, सॉरी भाई। अधूरा प्यार तो नहीं मुझे पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम किसी से मिलते हैं और एकदम लगता है ना कि यार पहली बार नहीं मिल रहे हैं, या फिर कैसे इतना बात कर रहे हैं, यू नो, हाउ एम आई कनेक्टिंग विद यू सो मच। तो आई थिंक वो हो सकता है कि पिछले जन्म में कोई ना कोई हमारा कोई क्लोज हो। तो ऐसा होता है, अधूरा प्यार वापस मिल सकता है, मतलब तुमको ऐसा लगता है? दोनों चाहे तो, एक चाहे तो नहीं। ओके, राज, सुशांत तेरे से टूटा हुआ प्यार नहीं बोल रहा, राज बोला हमने, राज नाम को सुना होगा। सुशांत, टूटा हुआ प्यार नहीं कह रहा हूँ, जो टूट गया लेकिन पुराना प्यार जो कभी एकदम कहीं बारीक सा रह गया था। मुझे लगता है प्यार जो है, अब ये तो पता नहीं अधूरा या ये इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत ही ये जो इमोशन है, बहुत ही इलॉजिकल इमोशन है, क्योंकि हम उसको बता नहीं सकते कि इसके पीछे रीजन क्या है। बट सडनली यू विल, आपको रियलाइज तब होता है जब आप प्यार में पड़ जाते हो। उसके बाद होता है, उसके पहले आप लॉजिक नहीं डाल सकते कि अरे मैं ये प्यार में जा रहा हूँ और हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। पहला प्यार कब होता? कौन सी उम्र में होता? मैं 4th में था। कौन था, कौन थी? मेरी टीचर। तब वो प्यार नहीं था। हाँ, सिर्फ नहीं, 4th में नहीं होता, 6th में होता है। मैंने पढ़ा है, हम अट्रैक्शन ही बोल रहे थे। तो 4th में था और बहुत दिल से था, और उनको भी पता था, और वो भी बहुत स्माइल करती थी मुझे देख के।